नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका अग्रवाल आपका स्वागत करती हूं भक्ति वंदना चैनल से। और जानते हैं आज का राशिफल सभी राशियों के लिए। मेष राशि वालों का आज का दिन बिजनेस और करियर में काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई मीटिंग के लिए जाते हैं या कोई नई डील क्रैक करना चाहते हैं, वो आपका सक्सेसफुल होगा। क्लाइंट भी आपसे हैप्पी रहेगा। अगर आप नौकरी में हैं तो आपके सीनियर्स आपसे खुश रहेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। जीवन साथी के साथ आप कुछ समय आज व्यतीत करेंगे, कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। आपकी इवनिंग एक खुशनुमा इवनिंग रहेगी, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। अगर आप लोग सिंगल हैं तो आपके विवाह प्रपोजल्स आने के योग हैं। अगर आप लोग लव रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ कहीं थोड़ा सा घूमने जा सकते हैं सेकेंड हाफ के बाद। सेहत का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पेट संबंधी समस्याएं या आई से रिलेटेड समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आज के दिन अगर आप लाल रंग का धागा अपने हाथ पे बांध के रखते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वालों को आज के दिन थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो सकते हैं। रिलेशनशिप इश्यूज कुछ आपके एग्जैग्रेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मूड भी ख़राब हो सकता है। आप थोड़ा सा अपने कार्यों को डिले कर सकते हैं, यानी कि आप कुछ इस तरह के मूड में रहेंगे कि आपका कोई काम करने का मन भी नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपके कुछ ज़रूरी काम रह सकते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा अपने मूड को फ्रेश करिए, थोड़ा शांत रहिए, अपने लिए कुछ करिए, थोड़ा नेचर वॉक में जाइए, कुछ दोस्तों से मिलिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस एंड नौकरी में आपका दिन सामान्य रहेगा, उसमें कोई खास बदलाव नहीं आएगा। सेहत के लिहाज से थोड़ा ध्यान रखिए, बोन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। आज के दिन अगर आप हनुमान मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों को आज लव लाइफ के लिए तो आपका दिन अच्छा है। आपके पार्टनर भी आपसे खुश रहेंगे, आप भी अपने पार्टनर से खुश रहेंगे, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी। आपस में आप थोड़ा टाइम गुजार के सलाह भी कर सकते हैं, और आप एक दूसरे के सलाह मशवरे पे काम करेंगे तो आपको फ़ायदा भी होगा। लेकिन बिजनेस में आपका दिन आज थोड़ा सा चिंताजनक रह सकता है। आपके अपने ही रूड बिहेवियर, यानी कि कुछ ऐसे व्यवहार की वजह से आपके क्लाइंट्स, आपके टीम मेंबर्स या आपके कोलीग्स आपसे नाराज़ हो सकते हैं। आप ध्यान रखिए कि किसी भी तरह की कोई भी पॉलिटिक्स या चालाकी ना करने की कोशिश करें, क्योंकि वो आज आप पे भारी हो सकती है। किसी भी तरह के मैनिपुलेशंस ना करें, और जितना सीधे तरीके से आप काम करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। आपको हालांकि शाम होते होते तक कुछ धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। आज के दिन अगर आप किसी नारी का अपमान नहीं करते हैं, इनफैक्ट अगर आप अपने से बड़ी किसी वृद्ध नारी को कोई गिफ्ट देते हैं, या अगर जो पुअर ओल्ड वुमेन है उनको खाना खिलाते हैं, तो आपके लिए फ़ायदा होगा। कर्क राशि वालों को आज इमोशनल उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, जिसके चलते आप लोगों को कुछ हर्टिंग बात भी कह सकते हैं, जिससे लोग हर्ट हो सकते हैं। इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो ये ध्यान रखें कि दूसरे को भी वो परेशानी हो सकती है। दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखकर ही अपना मुँह खोलें, क्योंकि आज आपकी जबान, आपकी वाणी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो जितना कम बोलेंगे और ज़्यादा सुनेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। अगर आज के दिन आप खिचड़ी चावल जैसी चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके कुछ पुराने रोग, खास करके पेट से संबंधी, आपको परेशान कर सकते हैं। खान पीन का ध्यान रखें, किसी भी तरह का फास्ट फूड ना खाएँ। किसी भी ओल्ड वुमेन का, जो मातुल्य हो या मदर हो, उसका अपमान ना करें। उसकी सलाह सुन के अगर आप काम करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। कोई लाल रंग की साड़ी या लाल रंग का कोई गिफ्ट अगर आप अपने से बड़ी लेडीज़ को गिफ्ट करते हैं तो आपके लिए आज अच्छा रहेगा। सिंह राशि वाले, आज आप अपनी किसी पुरानी समस्या की जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे। कुछ खास काम और जिम्मेदारियां आपको पूरी करनी पड़ सकती हैं।
कामकाज में दोस्तों की और भाइयों की मदद मिलेगी। सुधार और विचार करने का दिन है। मनोरंजन के लिए भी समय मिल सकता है। अपने व्यवहार में थोड़ी सावधानी रखें। आपकी किसी बात का कोई गलत अर्थ निकाल सकता है, उसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। लव लाइफ में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। पार्टनर से कोई सरप्राइज भी मिल सकता है। सेहत पे ध्यान दें, छोटी छोटी परेशानियां बढ़ सकती हैं। आज आप ज़रूरत से ज़्यादा थक भी सकते हैं और आप कोई ख़ास काम भूल सकते हैं, इसलिए ज़रा मेमोरी को अपना रिफ़्रेश कर लें और पूरी चीज़ें लिख के करें। आज आप क्या उपाय कर सकते हैं, तुलसी पे घी का दीपक अगर आप लगाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। कन्या राशि, किसी नतीजे या फैसले का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो शांति रखें, सब ठीक हो जाएगा। लोगों से मिलने और कैरियर में बदलाव के कुछ योग या कुछ अपॉर्चुनिटीज अचानक सामने आ सकती हैं। आज आप जीवन के कई क्षेत्रों में बदलाव का मन बनाएंगे। थोड़ा सा आप आज बातें करने के मूड में हैं तो आप ऐसे दोस्तों के साथ समय व्यतीत करेंगे जो थोड़े बातूनी होंगे, आपकी बात समझेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। आपको किसी बात का टेंशन भी हो सकता है और किसी से विवाद भी हो सकता है, सावधान रहें। मन चाहे काम निपटाने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। लव लाइफ में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। व्यापारियों के लिए समय ठीक नहीं है और मौसमी बीमारियों से बचें। क्या उपाय आज आप कर सकते हैं, अपनी थाली या टिफ़िन में से एक रोटी गाय को खिलाते हैं अगर, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तुला राशि, तुला राशि वालों को अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। दोस्तों और भाइयों से सहयोग मिल सकता है। सोचे हुए काम पूरे होंगे, अपनी प्लानिंग को मेहनत से पूरी करेंगे और उसका फ़ायदा भी आपको मिल सकता है। आपके सामने काम बहुत रहेगा लेकिन उनसे आपको फ़ायदा भी होगा और उन्हें पूरा करने में आपको काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर आज आप अपनी ईगो को साइड में रखते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों पे खर्चा बढ़ सकता है, सावधान रहें गलत दोस्तों से या गलत कंपनी से। अविवाहित लव कपल में अनबन हो सकती है। पार्टनर से सहयोग की कमी महसूस करेंगे। काम पे ध्यान दें और फालतू खर्चे से बचें। आज आप क्या उपाय कर सकते हैं, हनुमान मंदिर के पुजारी जी को तिलक लगाकर अगर आप दक्षिणा यानी कुछ पैसे दान में देते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। वृश्चिक स्कॉर्पियो, गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी होने की वजह से आपका दिन अच्छा रहेगा। अच्छा और मीठा बोलकर आज आप अपने काम पूरे करवा लेंगे। आपको अचानक धन लाभ भी हो सकता है, फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। आपको कोई अच्छे अवसर मिल सकते हैं अगर आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, लेकिन अपने काम में किसी न किसी तरह की दिक्कतें आने की वजह से आप पे दबाव बना रहेगा और आप थोड़ा चिड़चिड़ाहट महसूस करेंगे। किसी भी पुराने झमले में पड़ने से बचें, किसी दूसरे की लड़ाई में इंटरफेयर ना करें। पार्टनर से आपको सहयोग मिलेगा। बिजनेस में अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। सेहत को लेकर थोड़ी सी टेंशन हो सकती है। आज आप क्या कर सकते हैं, किसी मंदिर या अपने घर के पूजा स्थान की अगर आप अच्छे से सफाई करते हैं पूरी तरह से, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। धनु राशि वाले, आपके लिए आज दिन अच्छा रहेगा। आज आप परेशानियां शेयर करने के लिए किसी खास को ढूंढेंगे। आप इनकम बनाने के भी नए तरीके ढूंढेंगे और अगर आप उन पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो उन पर सफल भी होंगे। आज नज़दीकी और दूर के रिश्तेदारों से कांटेक्ट हो सकता है। कुछ आपके लिए अजीब सी स्थिति बन सकती है। खुद पे और खुद के फैसलों पे पूरी तरह से भरोसा नहीं होने की वजह से आप दूसरों की सलाहों पे चलेंगे, लेकिन हमारी सलाह है कि आप अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करें, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, ज़्यादा पैसा खर्च करने से बचें। आज आप अपने पार्टनर के लिए कोई महंगा गिफ्ट खरीद सकते हैं। आज आप क्या उपाय कर सकते हैं, किसी महिला मित्र को रेड शेड के नेल पेंट गिफ्ट करते हैं या आप खुद लगाते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। मकर राशि वाले, आज आपको खाली हाथ घर नहीं लौटना पड़ेगा। अगर आप किसी मंदिर में पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। किसी अच्छी खबर का इंतज़ार भी आपको हो सकता है।
आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, आपकी महत्वाकांक्षाएँ भी बढ़ेंगी, करियर में आप कुछ नया पॉजिटिव करेंगे। आप जल्दबाजी में अगर रहेंगे तो थोड़े परेशान हो सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी में कोई काम ना करें और आराम से बैठ के सोच समझ के काम करें। पार्टनर आपकी भावनाएं समझेंगे। बिजनेस को लेकर किसी बात की टेंशन भी हो सकती है। जॉइंट पेंस आपको परेशान कर सकता है। आज आप पैरों में अगर काजल की छोटी सी बिंदी लगाते हैं जो किसी को दिखाई ना दे, काले काजल की, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। कुंभ राशि वालों के चलते काम पूरे होंगे। आज आपको करियर और निवेश के क्षेत्रों में कुछ नए और शानदार मौके मिलेंगे। पैसे की और परिवार की स्थिति पे आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। आपका मनोबल बढ़ सकता है, मन मजबूत रहेगा। साथ काम करने वाले आपकी बातों से जल्दी सहमत भी हो जाएंगे, दुश्मनों पे जीत भी मिलेगी। परंतु आज आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी के भी साथ हमेशा के लिए संबंध ना बिगड़ने दें। आपको बहुत से काम और त्याग दूसरों के कारण करने पड़ सकते हैं। पार्टनर को मानसिक सहयोग और सुरक्षा दें। बिजनेस और नौकरी पेशा लोग किसी अजनबी पर भरोसा ना करें। सेहत में सुधार होने के चांसेस हैं। आज आप क्या उपाय कर सकते हैं, किसी छोटे पीले कपड़े पे चंदन का इत्र लगाकर अगर आप अपने पास रखते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। मीन राशि वालों की अधूरी इच्छाएं आज पूरी करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपकी इच्छाएं पूरी भी हो जाएंगी, मगर मेहनत से। आपकी मेहनत से सफलता मिलेगी। अपने लक्ष्यों पे आज एक बार नए सिरे से विचार करें। इस बात की ज़्यादा चिंता ना करें कि लोग क्या सोचते हैं। आप जिस काम में हाथ डालेंगे उस काम में सक्सेसफुल होंगे। कुछ दिनों से आप कठिन हालातों का सामना करते आ रहे हैं। जो आप चाह रहे हैं वो हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत और सूझबूझ से काम लेना पड़ेगा। लव लाइफ में खुशियाँ रहेंगी। बिजनेस में थोड़ा घाटा हो सकता है। सेहत सामान्य रहेगी। आज आप क्या उपाय कर सकते हैं, गुड़ और मूंगफली के दाने अगर आप अपने खाने में इन्वॉल्व करते हैं, खास करके फर्स्ट हाफ में, दिन के फर्स्ट हाफ में गुड़ और मूँगफली खाते हैं तो आपको फ़ायदा होगा।